शाहिद, हम कहाँ जा रहे हैं? Wherever you want, जिधर तुम जाना चाहते हो। शाहिद, ए शाहिद, क्या सोच रही हो? Nothing, गुलाब सुन रही। कुसुमती और हीरामणि भी साथ आती तो कितना अच्छा होता। क्यों, तुमको हमसे डर लगता है? डर की बात नहीं शाहिद, हम तीनों तो एक साथ नाटक में काम करते हैं, तो अकेली मैं ही क्यों? ठकुरानी, हमको कब किधर और किसका जरूरत, हम अच्छी तरह से जानता है। मैं तो यूं ही। गुलाब ठकुरानी, हमने तुमको अपने आउट हाउस पर लाने के लिए बोला, तुमने मना किया। शाहिद, मैं वैसे ही तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। परेशान तो हम अब हैं, हमको हमेशा ये फिक्र लगा रहता है कि कब मेरा सेन तुम्हारे घर में धावा बोल दे। अरे शाहिद, ये रास्ता तो चीना बाजार की तरफ जा रहा है। कुछ खरीदना है? क्या? साड़ी। साड़ी किसके लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? लेकिन मेरे पास तो साड़ी है। देखो शाहिद, थिएटर करने के लिए बहुत सारे धन की जरूरत होगी, तुम अपना धन संभाल के रखना। गुलाब सुंदरी, हमारे थिएटर में हर कलर का रंग बिरंगा सॉरीज पहनना मांगता, तुम हमारे थिएटर की ग्राइडिया, तभी तो तुम गुलाब सुंदरी लगेगा। क्या देख रहे हो शाहिद? देख रहा हूँ कि मेरी गिराइनिया गुलाब जैसे सुंदर है या नहीं। बताओ, है कि नहीं? वेल, मेरी गिराइनिया, मेरी नायिका गुलाब के फूल जैसे सुंदर, जूही के फूल जैसे लंबे और बसंत की तरह रंग है उसका। गुलाब जैसा सुंदर ही नहीं, गुलाब जैसा सुंदर मन भी है उसका। चारों तरफ खुशबू ही खुशबू बिखेरने वाला। शाहिद, एक दिन तुम विलायती थिएटर दिखाने की बात कर रहे थे ना, कब ले जाओगे? ब्रेंडो को टिकट लेने के लिए भेजा है। मिस्टर ब्रेंडो, व्हाट इज दिस? हम तुमको कलकत्ता थिएटर में टिकट लेने के लिए भेजा, ये क्या किया तुम? वेरी बिग फाइट सर। किसके साथ? उन गोरों के साथ सर, मींस रोटन थिएटर के व्हाइट गेट कीपर के साथ। व्हाई सर? कहता है कि बंगला थिएटर के लोगों को एंट्री नहीं देगा, बंगला थिएटर के लोगों को एक भी टिकट नहीं देगा। कौन बोला, कौन बोला? सर, वो व्हाइट गेट कीपर सर। मैं डोंट केयर सर, मैं उसको एक सीजर से मारा सर, एक चिटकी चिटकी मारा सर, गेट कीपर धड़ाम फैल। मैं भी सीधा गया सर मिस्टर स्विस के पास, मैनेजर। मिस्टर स्विस हमको बहुत लाइक करता सर। मिस्टर स्विस बोला, नीलम हमारे स्टेज में वापस चले आओ, एक्सपीरियंस स्टेज हैंड मांगता, तुम्हारा तनख्वाह बढ़ा दूंगा। मैंने भी उसको जवाब दिया सर, मी नो मोर स्टेज हैंड, मी ओनली ए हीरो हीरो सर। मैं मिस्टर स्विस को बोला, मिस्टर स्विस यू आर एन एस साहिब, खाक साहिब, मिस्टर लेडेफ ग्रेट और ग्रेटेस्ट साहिब सर। मिस्टर स्विस ना बुखला गया सर, मैं भी बुखला उठा। मिस्टर स्विस ना मेरी एज वाली बात का मतलब समझ गया सर, सर एज मैंने गधा सर। मिस्टर स्विस ने मेरे बैक पोर्शन पर बूट की किक मारी सर। फ्रेंड्स, तुम फिर मारपीट किया? क्यों नहीं करता सर, मेरा इंसल्ट मैंने योर इंसल्ट सर। मैं उन लोगों को साफ साफ बोलकर आया हूँ सर, मिस्टर लेदेफ इंग्लिश थिएटर खोलता एंड मदर ब्लैक शोथ तुम लोग। ब्रेंडो, ये तुम क्या बोला?
तो मदर ब्लैकेट औत लेके बोला कि तुम ये बात किसी को नहीं बोलेगा। फिर क्यों बोला? सॉरी सर, जो ऑर्डर सर, सर आप मेरे रिलीजियस फादर सर, मेरे धर्मपिता सर, आज से आप जो भी कहेंगे सर मैं वही ऑर्डर मानूंगा सर। ठीक जा। ओके। ओ, गलत बाइबल। सेटल से आ गए। जी सर। भालो, खूब भालो। कैसा? बांग्ला थिएटर। इस कलकत्ता शहर में अपना थिएटर, अपना बांग्ला थिएटर, जिस सपनों को कभी आंखें देखने की साहस भी नहीं कर पाती थी, उसे साक्षात अपनी आंखों के सामने देखकर आंसू नहीं रोक सका। साहिब, तुमने इतिहास रचा है। साहिब, तुम एक दार्शनिक हो। मैं एक रूसी, एक फॉरनर, हासिन, अकेला। हमको थिएटर नहीं करने देगा रॉबर्ट्स। आज आज उसको आदमियों ने ब्रेंडर को मारा, जूते से किक किया। यू नो व्हाई? क्यों? वो कलकत्ता थिएटर में देर लगी टिकट लेने को गया। एक दिन भी थिएटर नहीं चला सकता, एक दिन भी थिएटर नहीं जी नहीं सकता उसका। मीटिंग्स, बॉल डांस, पार्टी का किराया को हायर करके वो थिएटर चलाता, डोनेशन से थिएटर चलाता। डोनेशन से कैसे थिएटर चलता है? डोनेशन से थिएटर चलता, थिएटर चलता टिकट बेचकर। स्पिनर। यस सर। कंटेंट देखकर बताओ कब है शो उनका? 30th October, yani Saturday. Trick upon trick, and winds and months, aur saath hi ek musical program bhi. The Poor Soldiers. Golak Babu, hum jayenge Kolkata theater dekhne. Roberts, agar rok sakta hai to roko, roko. Ek sahib hi kya theater dikhane wala? Maine to na jaane kitno ke saath कितनी बार कलकत्ता थिएटर में नाटक देखा है। अरे जल क्यों गई हीरा दी? आय हाय, जले मेरे दुश्मन। कुसुम दी, तुम भी हमारे साथ चलो ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओ, टकुराने का मन ठीक नहीं लगता आज। हाँ, अब चंपा को थिएटर दिखाने ले जा रहे हैं ना। साहिब, कुसुम दी भी तो जा सकती, पीट बॉक्स में जगह तो होगी ही। जा तो सकते हैं साहिब, मगर मुझे अभिनय तो करना नहीं, सिर्फ गाना ही तो गाना है ना, इसलिए मैं अंग्रेजी नाटक देखने नहीं जाऊंगी। तुम चलना चाहती तो चल सकती, ड्रामा देखना तुम्हारे लिए भी उतना जरूरी जितना मिस चंपा के लिए। अरे कुसुम दी, तुम आ गई। मैं तुमसे देखो पहले ही आ गई, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? अरे मुझे क्यों बुरा लगने लगा? तुम्हारा शायद अभी ऊपर ही है ना? ओहो कुसुम दी, तुम भी। अरे मरता है शायद तुम पर। हीरा मणि का मुंह देखा था जब शायद ने उस दिन मुझे चलने के लिए कहा, तो कैसा मुंह लटक गया था उसका। छोड़ो भी कुसुम दी, दूसरे की बुराई करने में क्या फायदा, छोड़ो वो सब बात। वैसे तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो कुसुम दी। सच? सुंदर लग रही हूँ? हाँ। चंपा, तू आज कैसे आई है? सोना गला, सुने हाथ, ना कोई श्रृंगार, ना टीका, ना टिकुली, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे मालूम होता तो मैं इतनी भड़कीली साड़ी पहनकर ना आती। मेरी तुम्हारी क्या बराबरी कुसुम दी?
और फिर एक गरीब स्त्री इतना सोना दाना कहाँ से पाएगी? Idiots! Oh, are you ready? Oh, I'm waiting. Please come soon. वाह रे, तुम्हारा प्यार दुलार साहिब, एक जोड़ा सोने का कंगन भी नहीं गड़ा पाए अपनी मुख्य नायिका को। जानती हो कुसुंदी, ये साड़ी साहिब ने चीना बाजार से खरीदकर मुझे दी है। हाँ, अच्छे है बुद्धू लड़की, सिर्फ साड़ी लेकर खुश है? अरे तुझे तो हीरा वसूलना चाहिए, हीरा। तेरा गला तो आज बड़ा खाली खाली लग रहा है। ठीक है, ये मोतियों की लड़ियां तू पहन ले। नहीं। क्यों? ये मोतियों की माला तेरे सांवले रंग पर बहुत अच्छी लगेगी। वाह, कैसी सुंदर लग रही है तुझे। पहना तो रही हूँ, फिर लौटा देना आज ही। हुजूर बुला रहे हैं, चलिए। हाँ, चलो। अच्छा शाहिद, हमारा बंगला थिएटर कैसे बनेगा? ओ, हमारा थिएटर विलायती स्टाइल, कलकत्ता थिएटर की तरह से विलायती स्टाइल बनाए। विलायती नकल नहीं, हमारा थिएटर बंगाली स्टाइल में, बंगाली कायदे से सजाएंगे। एंट्रेंस में आम्र एंट्रेंस में आम्र पल्लव झूलेंगे और फूल मालाएं होंगी, कदली स्तंभ होगा और हाँ मंगल घट होगा और गुलाब ठकरो नहीं, गुलाब जल छिड़केंगे और अगरबत्ती का और इत्र का सुगंध से थिएटर भवन मदमस्त हो उठेगा। तब तो बहुत अच्छा होगा, क्यों कुसुम दी? री मैया, क्या गजब, बिल्कुल जैसे नवाब का दरबार। हाँ कुशुंदी, और फिर कितने बड़े बड़े झारखानों, शीशे के रोशनदानों में मोमबत्तियाँ कैसे टिमटिमा रही थी, बिल्कुल जैसे दीपावली। दीपावली, चलो। अरे गुलाबो, लोग कितने थे? हाँ, अब तो मुझे डर लगने लगा। अच्छा साहिब, इतने सारे लोगों के सामने क्या मुझे भी इस तरह से एक्टिंग करनी होगी? गुलाब टकराने फर्स्ट टाइम स्टेज पर जाने से ऐसा लगता, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता। यू नो, फर्स्ट टाइम जब मैं भी म्यूजिकल हॉल में वायलिन बजाने के लिए गया तो मुझे भी बहुत डर लगा, लेकिन जैसे जैसे मैं बजाता गया धीरे धीरे सब ठीक हो गया। एक्टिंग डरना है तो एक्टिंग नहीं। वेलकम, प्लीज। Kushwan, move. Aha, Joseph Bettel is a great painter, you know. Shahib, वही बैठे जो जगन्नाथ गांगुली के दुर्गा उत्सव में आया था? Yes, the same person. है ना बिल्कुल हिंदुस्तानी, जैसे तुम लोग अपने मैरिज के वक्त पहनते हो। इसको हम अपने मनी से खरीदा। यस, शाहिद, मैं मेडिसिन से प्यार करती हूँ।
कितने का टिकट बिका था स्वर्ण? सर, ओनली 240. व्हाट? थिएटर तो हाउसफुल था. राइट सर, बट आधे से ज्यादा डोनेशन वाले थे और कुछ फ्री पास आपने इशू किए थे. लोगों का तनख्वाह निकालना भी मुश्किल है. डोंट वरी, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी सैलरी हम देगा. बस तुम खाली रूसी भालू के पास मत जाओ. अगर वो ज्यादा तनख्वाह देगा तो बैटल वी आवर इंग्लिश चिएगा मरेगा साथ साथ. कलकत्ता गजट में रोज बंगला थिएटर का एडवर्टाइजमेंट निकालता है. ऑडियंस कुछ ना मांगता है. तुम्हारा घिसा पिटा नाटक में अब किसी को इंटरेस्ट नहीं बचा. सब बंगला थिएटर में जाएगा. मिस्टर स्विस. यस सर. कलकत्ता गजट लाओ. Right. हम देखेगा. राइट सर. उस चोर छोकरी को फोड़ो बैठल, नहीं तो कलकत्ता थिएटर खत्म हो जाएगा. उस चोर छोकरी को फोड़ने के लिए जगन्नाथ गांगुली के साथ जो प्लान तुमने बनाया था उसमें तुम मात खा गए. उस चोर छोकरी के वास्ते कलकत्ता थिएटर बर्बाद हो जाएगा. उस चोर छोकरी को फोड़ने से बचानिया का दिमाग खराब हो जाएगा. बट व्हाई? शी इज हिज बिलोवेड. रूसी भालू उस छोकरी से प्यार करता है. ओह, दिस इज ऑल यूज़लेस. अगर तुमको बंगला थिएटर का हाय हाय कराना मांगता है तो उस चोर छोकरी को किडनैप करवा दो. आइए हुजूर. प्रीवियंस, वेलकम वेलकम. प्लीज बी सीटेड. थैंक यू. प्लीज एक्सेप्ट माय हार्टली विशेस फॉर योर न्यू थिएटर विद दिस. ओह, थैंक यू थैंक यू. सोने के मौरे किस लिए? Are you also interested in learning violin? Oh, no, man, no. I'm not interested in learning any violin. I'm only interested in my husband, Bob Marison, you know. हम तुमको ये सोने का सिक्का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के वास्ते देता. उस ब्लैक चुड़ैल को अपने हस्बैंड से दूर करने के वास्ते. सॉरी मैडम, मैं आपको इस मामले में कोई हेल्प नहीं कर सकता. ओह रियली? थैंक यू. वेलकम. नहीं करते, हम बीते हुए कल का याद नहीं करते. हाँ, हम सबसे बहुत बड़ी भूल हो जाती है. हमसे गलती हो गई, हम बीते हुए कल को भूल जाते हैं. हम बीते हुए कल को. मिस चंपा, अब आपसे एक बात कहना चाहता था. बहुत ट्राई किया पर कह नहीं पाया. तो आज कह ही डालो छोटे शाहिब. मिस चंपा, गॉड ने बहुत दिल लगाकर बनाया आपको. अचानक क्या आपका चेहरे में भूल नहीं पाता. हम आपसे मैरिज बनाता अगर आप तैयार होता. हाँ, हम बहुत लकी होता मिस चंपा, बहुत लकी, बहुत. ये तो संभव नहीं छोटे शाहिब. मेरी तो शादी हो चुकी. व्हाट? Yes, sir. सर, आपने हमको बुलाया? Yes. ऐसा लगता है कि आजकल तुम मिस गुलाब का बहुत खुशखबर रखते. You mean मिस चंपा? दादा, मिस चंपा. Yes, sir. जब गोलक बाबू नहीं रहता तो हम मिस चंपा का खबर रखता. You know, मिस चंपा, गुलाब तकरोनी हमारा थिएटर की हीरोइनिया, मुख्य नायिका. यस सर. उसका केयर करना तुम्हारा ड्यूटी. राइट सर. मिस्टर मैरिसन उसके घर में आता जाता रहता है? नो सर. तुम सारा दिन इधर रिहर्सल में रहता, तुमको ये बात कैसे मालूम? सर, माय वन मैन, वो देखता फिर हमको बताता. यू बीन स्पाइंग? नॉट एग्जैक्टली सर.
मिस्टर डिसूजा मिस चंपा का घर का निचला थला में रहता, उसी से हम पता लगा था। मिस्टर मैरिसन कई बार मिस चंपा के घर में घुसने का ट्राई किया लेकिन मिस चंपा ने घुसने नहीं दिया। इसको लेकर दोनों में थोड़ा चिक चिक भी हुआ था। मैरिसन तब भी मिस चंपा के घर में एंटर नहीं कर सका। मिस्टर मैरिसन ने कोई मारपीट किया? सर ऐसा कोई खबर मिस्टर डिसूजा ने हमको नहीं दिया। एनीवे तुम उसका ध्यान रखो, देखो रहने का, बट वेरी केयरफुली। राइट सर। साहेब टिकट की कीमत इतनी रखो जो जनसाधारण के लिए उचित हो। राइट। गलत बाबू कलकत्ता कथित में थिएटर का एडवर्टाइजमेंट दे रहा होगा एंड हिज एक्सीलेंसी गवर्नर जनरल का नाम छापना कैसा रहेगा? अवश्य उन्हीं की अनुमति से थिएटर निर्मित हुआ है। तो देखकर चल जाएगा। साहेब देशी और बिलायती संगीत के बाद भी लिखनी होगी, साथ में भरत चंद्र राय का गीत भी प्रस्तुत किया जा रहा है। भरत चंद ग्रेट मैन, कलकत्ता सिटी में बहुत नाम उसका। सर आई एम सॉरी सर, सर सब आर्टिस्ट लोग दीपावली का छुट्टी मांगता, क्या करने का? दीपावली सुदृष्णीय ग्रेट दे दो क्यों को लग बाबू। भालो छुट्टी देना आवश्यक है। ओके सर। स्पिनर। यस सर। गुलाब मिस गुलाब को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा एंड तिलक बाबू यू विल हैव टू कम। अगर चंपा आती है तो मुझे आना ही होगा। ओके डिक्लेयर। ओके सर। आर्टिस्ट लोग गुड न्यूज, दीपावली का हॉलीडे इज सैंक्शन बाय मिस्टर लेबेदेव। हॉलीडे माने छुट्टी। लेकिन मिस चंपा, लेकिन आपका छुट्टी नहीं, आपको आना बांध था, सर का ऑर्डर है।